एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अर्चना। मेरे चैनल का नाम है गेट गॉर्जियस। आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं फेस स्क्रब की रेंज, कौन सा बेस्ट है फेस स्क्रब। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रोडक्ट है वो है खादी मूरी की तरफ से एप्रिकॉट का फेस स्क्रब। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे नेचुरल है और ये आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करते हैं। ये सूटेबल करता है सारी स्किन टाइप को। और ये प्रोडक्ट टोटली आयुर्वेदिक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है लैक्टो कैलामाइन का ऑयल बैलेंस फेस स्क्रब। इसमें क्ले है और ये आपके डेड स्किन को रिमूव करता है और एक्सेस ऑयल को भी ये रिमूव करता है। ये बेस्ट है जिनकी ऑयली स्किन है। ये इस तरह का फेस स्क्रब है। ये जो थर्ड वाला है वो है पतंजलि का सौंदर्य रेंज का फेस स्क्रब विद मुल्तानी मिट्टी। इसमें एलोवेरा है। इसका भी मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये इस तरह का पैक है बट इसमें जो है थोड़ी स्क्रबिंग जो बीड्स है वो कम है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए ये बेस्ट है क्योंकि ये ज़्यादा एक्सफोलिएट नहीं करता और ये भी सूट करता है सारी स्किन टाइप के लिए। बट ये बेसिकली जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा स्क्रब है। जो अगला फेस स्क्रब है वो भी पतंजलि का है। ये है विद एप्रिकॉट वीट जर्म एंड एलोवेरा। ये भी आपकी जो स्किन को नरिश करता है, आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और ये इस तरह का स्क्रब है। इसमें काफ़ी अच्छे बीड्स है और आपके स्किन को अच्छे से ये आपकी एक्सफोलिएट करता है। इसकी कॉम्पोजिशन भी जो है वो सारी नेचुरल है। इसमें मुल्तानी मिट्टी है, एलोवेरा है और ये एक नेचुरल स्क्रब है और इफ़ेक्टिव क्लींजिंग के लिए ये बेस्ट है। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी एनहांस करता है। अगला जो फेस स्क्रब है वो है बायोटीक की तरफ से बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब। ये सारी स्किन टाइप को सूट करता है और ये स्पेशली बेस्ट है टैन रिमूवल के लिए। इसके भी जो सारे इंग्रेडिएंट है वो सारे नेचुरल हैं। इसमें खजूर है, केला का फ्रूट पल्प है, पपीता का फ्रूट एंड सीड्स है। इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी है। एक ऐसे ट्यूब लाइक पैकेजिंग में नहीं आता, ये टब लाइक पैकेजिंग में आता है और ये काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली भी है। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, किसी भी आप शॉप से आप इसे बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी इन सारे स्क्रब को आप बाय कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।